हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। सो दोस्तों, हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ आज की वीडियो की शुरुआत होती है। सो दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को जय माता दी। सो दोस्तों, जय माता दी इसलिए क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे, नवरात्रे बिल्कुल हो चुके हैं ख़त्म। आज हम लोग जा रहे हैं कटाओ मंदिर माता रानी के दरबार में। जैसा कि आने वाली वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर भाई हमारे यूट्यूब फैमिली में कुछ नए जुड़े हैं, उनको भी बताना ज़रूरी है। सो आज मैंने की है स्पेशल मेटाडोर अखनूर टू नारायणा एक्सप्रेस राजा जानी, अपनी मेटाडोर है, तो उसमें जा रहे हैं हमारे गांव के लोग, सभी जा रहे हैं कटाओ मंदिर। सो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। इंटरेस्टेड हो तो बने रहे लास्ट तक वीडियो के साथ, करते हैं अपनी मेटाडोर का इंतज़ार, जैसे आती है तो दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र। जय माता दी दोस्तों। सो फाइनली दोस्तों, हमारी मेटाडोर आ चुकी है भाई। सो है माय प्यारी YouTube फैमिली। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, इस वक्त हमारा टूर जा रहा है कटाओ मंदिर माता रानी के दरबार की वाली साइड। सो दोस्तों, मैं बैठा हूँ मेटाडोर के ऊपर और मेरे साथ मेरे दोस्त भी बैठे हुए हैं ऊपर भाई। ये देखो भाई, हेलो कर दो भाई सभी। सो दोस्तों, मस्त एडवेंचर चेक करते देखो भाई, इन पहाड़ों की वादियों का नज़ारा भाई, खूबसूरत पहाड़ों। आज हम लोग आए हैं भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, और देखते हैं कटाओ मंदिर माता रानी के दरबार में कितने लाखों की तादाद में लोग आए हैं या हजारों की तादाद में। ये सब कुछ अनएक्सेप्टेड चीज़ें हैं, ये सब कुछ आप लोगों को दृश्य दिखाते हैं, बने रहे लास्ट तक वीडियो के साथ। सो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में, अब आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं। फाइनली मेटाडोर लगा दिए साइड पर और सभी पैसेंजर उतर रहे हैं हमारे साथ जो आए हैं भाई, अपने गाँव के लोग। सो है माई प्यारी YouTube फैमिली। सो दोस्तों, इस बार कटाओ मंदिर माता रानी के दरबार में लोगों की गाड़ियों की कतार बहुत ही कम दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि इस बार माता रानी के दरबार में श्रद्धालु बहुत कम आए हैं, अगर आए होंगे तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी चले गए हैं। सो हम लोग पहुंच चुके हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको माता रानी के दरबार का दृश्य। सो है माई प्यारे YouTube फैमिली। सो दोस्तों, माता रानी के दरबार से लेकर ऊपर जो माता रानी शेरांवाली का दरबार है, वहाँ पे सुंदर नज़ारा देखने के लिए आपको यहाँ से 500 से 600 करीब पौड़ी चढ़नी पड़ती है, तो उसके बाद शेरांवाली माता का दरबार देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा वहाँ का, दिखाते हैं आपको, बने रहे लास्ट तक वीडियो के साथ। सो दोस्तों, आज के इस सफ़र में मेरे साथ मेरी मम्मा जी और मेरे साथ हमारी आंटी जी, दोनों जा रहे हैं साथ में माता रानी के दरबार के दर्शन करने के लिए। सो अभी लोग हम लोग पौड़ियाँ चढ़ रहे हैं भाई, सीढ़ियों का मुश्किल सामना कर रहे हैं सभी। सो चलते हैं, दिखाते हैं आपको माता रानी के दरबार का दृश्य। और गौतम भाई जी, क्या हाल है? बिल्कुल शूट है चाचा जी, ठीक हो? सो दोस्तों, जो मेरे साथ आए थे मेरे दोस्त, ये माथा टेक के भी आ चुके हैं वापस। ये देखो, नमस्ते। हंस भाई बड़ी जल्दी आ गया अब यार। और दोस्त, क्या है? सो दोस्तों, माता रानी के दरबार से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है यहाँ का, सुंदरवानी एरिया
पूरा दिखाई देता है, और जो साथ में बोलते हैं ना चूल्हे वाला पुल वो भी दिखाई देता है, वो भी दिखाता हूँ आपको। सो दोस्तों ये देखिए पहाड़ों की वादियों का नज़ारा भाई, और इसी के साथ वो रहा हमारा चूल्हे वाला पुल। और दोस्तों ये आगे आ जाता है सुंदरवानी एरिया। तो दोस्तों कुछ लोग आ रहे हैं कुछ वापस जा रहे हैं जैसे कि देख सकते हो, और यहाँ पे देखो भाई। सो दोस्तों फाइनली माता रानी के दरबार में पहुंच चुका हूँ मैं, लेकिन पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा रश था यहाँ पे, इस बार कुछ भी नहीं है भाई, बोला जाए तो श्रद्धालु बहुत ही कम आए हैं भाई। ये देख सकते हो माता रानी का दरबार है यहाँ पे शेरावाली का, और ठीक इसी के साथ जहाँ की जो हिस्ट्री है भाई बहुत ही मानी जाती है वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है माता रानी का दरबार भाई। सो दोस्तों ये माता रानी का दरबार है जहाँ तक लोगों को पहुँचने के लिए 500 से 600 सीढ़ियों का सामना करना पड़ता है चढ़ने के लिए, और ये सुंदर सा नज़ारा दिखाई देता है आगे दोस्तों देख सकते हो। अब लाइन लगना स्टार्ट हो चुकी है माता रानी के दरबार में, बहुत ही अच्छा नज़ारा है भाई माता रानी के दरबार का। और ठीक इसी के साथ यहाँ पे दिखाई देते हैं माता रानी के चरण और उनके शेर के पाँव, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे माता रानी के दरबार, यहाँ पे माता रानी के निशान भी हैं भाई पाँव के, और इस जगह पे शेर के निशान है, इसलिए यहाँ पे लोग माथा टेक रहे हैं पूजा कर रहे हैं जैसा कि देख सकते हो। बहुत ही सुंदर नज़ारा है माता रानी के दरबार का। दोस्तों इसी के साथ हमारे दोस्त से मिलिए भाई, ये भी माता रानी के दरबार में आए हैं माथा टेकने के लिए। हेलो भाई जान क्या हाल चाल है, ठीक हो? सो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ वो लोहे की टंकियाँ जिसकी वजह से माता रानी का दरबार प्रसिद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि सन 1971 की लड़ाई में माता रानी की शक्ति से ये टंकियाँ यहाँ पे आई थी, और आज तक यहाँ पे पानी ख़त्म नहीं हुआ भाई, ये इसकी खासियत मानी जाती है उन टंकियों की भाई, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है इसलिए मैंने सोचा अपनी ऑडियंस को भी दिखा दूँ भाई। सो दोस्तों फाइनली मैंने दर्शन कर लिए, अब जा रहे हैं वापस भाई, और कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं मेरी तरह भाई। सो दोस्तों मिले हमारे दोस्तों से भाई, जय माता दी भाई जी, जय माता दी जी, क्या हाल है और भाई? दोस्तों इसी के साथ हमारे साहिल भाई भी पहुंच चुके हैं, जय माता दी भाई जी, जय माता दी जी भाई, जय माता दी भाई, जय माता दी अमन भाई, क्या हाल है? हेलो हरीश भाई, रोहित भाई, ऋषु भाई जय माता दी, निश भाई जय माता दी, जय माता दी, और जय माता दी वीरो, क्या हाल चाल है? और भाई हंजू, और शालू भाई ठीक हो? मनीष भाई ठीक, और रिंकू भाई जी क्या हाल है? जय माता दी, और अमित भाई ठीक हो? सो दोस्तों फाइनली मेरी आंटी ने और मेरी मम्मा जी ने दोनों ने दर्शन कर लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, नीचे आपको दिखाते हैं कितने लोग आए हुए हैं, कितना कुछ देखने के लिए है भाई। और क्या बोल रहे थे आप मम्मा? बोलिए मैं आपको ना छोटे छोटे कीड़े दिखाती हूँ पेड़ के साथ लगे हुए हैं, चलो भाई देखते हैं हम भी। तो दोस्तों फाइनली जो नीचे मंदिर है माता रानी के, अब मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ, अब मैं दिखाता हूँ आपको लोगों ने किस तरह फ्री लंगर लगाए हुए हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए, और मेला लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा मंजर है यहाँ पे भाई, दिखाता हूँ आपको वीडियो में, बने रहे लास्ट तक वीडियो के साथ। एक मिनट भैया, और भैया क्या हाल है? ठीक हो? सो दोस्तों फाइनली सबने दर्शन कर लिए,
और पेट पूजा भी कर ली है। आप सभी दोस्त एक साथ इकट्ठे हो चुके हैं भाई। एक ने बाजा ले लिया, वो बजा, तू बजा है भाई। इसका तो अभी फट गया भाई। तो देख रहे हम लोग भाई सभी को कितना मेला लगा हुआ है भाई, कितने लोग आए हुए इधर देख सकते हो भाई। दोस्तों देख सकते हो किस तरह लोग शॉपिंग कर रहे हैं भाई मेले में आकर। और यहाँ पे देखो भाई, यह है कटाओ मंदिर माता रानी के दरबार का दृश्य भाई। और 6 महीने के बाद एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे लोग आते हैं भाई माता रानी के दरबार के दर्शन करने के लिए। और देख सकते हो भाई किस तरह छोटी छोटी दुकानें डाली गई हैं इधर भाई मेलों के द्वारा। और ये देखो आइसक्रीम वाले अंकल आए, कपड़े वाले आए हैं, खिलौने वाले आए हैं। और यहाँ पे देखो भाई छोटे छोटे हर कोई आया हुआ इधर भाई। तो दोस्तों मेरे पीछे जो मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे आपको हर एक भगवान की मूर्ति देखने को मिलेगी। सो दोस्तों हर एक को एक्सप्लोर करना मुश्किल है, लेकिन आप लोगों की जानकारी के मुताबिक बताना बनता था मेरा, तो इसलिए मैंने सोचा बता देता हूँ अपनी YouTube फैमिली को। देख सकते हो भाई पीछे हर एक भगवान की मूर्ति मिलेगी इन मंदिरों में आपको भाई। जय माता दी। हेलो गुरदीप भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हो? जय माता दी। सो दोस्तों फाइनली अपनी राजा जानी लेके हम निकल रहे हैं अब घर की ओर भाई। लेट्स गो भाई। दोस्तों फाइनली माता रानी के दरबार से हमने दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे हैं वापस। सभी लोग बैठे हैं गाड़ी के ऊपर, ऐसा नहीं कि गाड़ी में स्पेस नहीं है भाई, लेकिन हम लोग एडवेंचर एंजॉय करने के लिए बैठे हैं ऊपर भाई। कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है। सो हे माई प्यारी YouTube फैमिली। सो दोस्तों फाइनली मैं और मेरी मम्मा पहुंच चुके हैं घर। देखा आप लोगों ने किस तरह कटाऊ मंदिर माता रानी के दरबार में लाखों की तादाद में तो नहीं कह सकता, लेकिन हज़ारों की तादाद में तो लोग पहुंचे हुए थे आज माता रानी के दरबार में। सो दोस्तों काफ़ी अच्छा नज़ारा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ जब नेक्स्ट बार ये प्रोग्राम होता है माता रानी के दरबार में, प्लीज़ आए दोस्तों। बहुत अच्छा मंज़र देखने को मिलता है, पहाड़ों की वादियों में घूमने का मज़ा मिलता है। घर बैठे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का आना। मम्मा आपको कैसा लगा वहाँ पर? बहुत अच्छा लगा ना। सो मम्मा मेरी पिछली बार भी गई थी, लेकिन इस बार हर बार ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। सो इसलिए भाई आप लोगों के साथ भी रिक्वेस्ट है कि आप भी आए माता रानी के दरबार का थोड़ा सा मंजर अच्छा बनाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्सपीरियंस साथ अपने इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें।